नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय माता दी। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कोई भी बुरी घटना का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई कुछ विशेष सावधानियां आज के दिन रखनी चाहिए, ताकि आप लोगों को बजरंगबली का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इसलिए दोस्तों, आज की इस जानकारी को आप अंत तक देखिएगा। यदि दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए राशिफल में किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि निकले, तो हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम आपका प्रेडिक्शन आपको बिना देखे करते हैं, केवल और केवल आपकी ग्रह नक्षत्रों की चाल पर। तो थोड़ी सी गलती हमारी माफ करिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन तीन दिनों के अंदर आपको कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ प्रदान होने वाली हैं, आपको कौन कौन सी कमियों का भी सामना करना पड़ेगा, कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब आपके जीवन पूरी तरह से बदलेगा। तो ऐसे में इतने में आप लोगों को मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, पूर्ण रूप से इसका सदुपयोग करें। तथा दोस्तों, तभी चिट और पट दोनों आप लोगों को मिलेगी और बजरंगबली का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। परंतु दोस्तों, आपको बता दें कि हार में भी आप लोगों को जीत मिलने वाली है, क्योंकि आप लोग का दिल बहुत सच्चा है। इसलिए हो जाओ तैयार, आने वाले अगले तीन दिनों में आपके जीवन में नए बदलाव होंगे। कौन से ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं, आज का राशिफल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए बात करते हैं आपके राशि के बारे में। जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। चमत्कार यानी कि दोस्तों, अचानक आपका कार्य बलेगा और आप लोग मालामाल हो जाएंगे। दोस्तों, राशिफल के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय बजरंगबली, हमारे कष्ट को दूर करो अवश्य लिखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई किसी भी तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अपने जीवन में अच्छे कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आपके जीवन में सहानुभूति की आवश्यकता है। आपके कार्य काफ़ी अच्छे से होंगे, धन आपके पास चलकर आएगा, जिससे आपके खर्चे, पारिवारिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधरेगी। ऐसे दोस्तों, किसी भी खास के साथ में समय बिताएं जो दोस्तों सकारात्मक और मेहरबानी सोच रखता हो। दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो आपको प्यार की कमी ना महसूस कराने दे। दोस्तों, इस वक्त आपके ऊपर गहरी संगति का असर देखने को मिल रहा है। अचानक दोस्तों किसी नई यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। यात्रा के दौरान दोस्तों आप लोगों को नई नई जगह के प्रारंभ में पता लग जाएगा और महत्वपूर्ण लोगों से भी आपकी मुलाकात होने को मिलेगी। दोस्तों, जनसंपर्क का दायरा बढ़ने से जीवन में अपार सुख की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही साथ आप लोगों के लाभ कमाने के भी कभी मौके मिल रहे हैं। दोस्तों, काबिलियत और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को परिस्थिति का सामना करना होगा। इस वक्त दोस्तों आपको बता दें कि जो भी विचार आपके मन में आ रही है, उसी प्रकार आप अपने कार्य में आपको बदलाव देखने को मिलेगा और जिन भी तकलीफों का सामना आपको करना पड़ रहा है, वह दोस्तों अब दूर हो सकती हैं। दूसरों की बातों से ज़्यादा खुद की बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी यह होता है दोस्तों कि आप दूसरों की बातों में आकर के जो निर्णय आपने स्वयं लिया होता है, उनको आप बदल लेते हैं। तो दोस्तों, इस वास का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। काम से संबंधित गतिविधियों को दोस्तों आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, उन्हीं कामों को बेहतर तरीके से करें। दोस्तों, इससे आपको सफलता भी आवश्यकता के अनुसार मिलेगी। आज आपको रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। यदि आज सुख है तो कल दुख भी रहेगा। जब तक दोस्तों आप आत्मनिर्भर नहीं बनते, तब तक दोस्तों आपकी नाराजगी कम नहीं होगी। बेकार के खर्चे भी कुछ हद तक बढ़ सकते हैं, इसका थोड़ा नुकसान देखने को मिलेगा आपको। युवाओं को काम पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी और लव रिलेशनशिप की वजह से जीवन में अस्थिरता आने लगेगी। और दोस्तों, वहीं आपके द्वारा जितने भी प्रयत्न हो सकते हैं, उतने प्रयत्न करने की आप कोशिश करें। तो दोस्तों, आपके प्रयत्न से ही इंसान सफल बन सकता है। देखिए दोस्तों, प्रयत्न ही सफलता की सबसे पहली कुंजी होती है। निराशा की वजह से दोस्तों आप लोग गलत निर्णय लेने से बचें। व्यक्तिगत जीवन पर दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। शरीर पर लगी हुई चोट को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही साथ दिन की शुरुआत में भी आपके कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन मौज मस्ती को ज़्यादा महत्व ना दें। पार्टनर को थोड़ा वक्त देने की आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों, गलत खान पान से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। दोस्तों, आज किसी भी व्यक्ति का उधार देने से आपको बचना होगा। वहीं दोस्तों, विवाह से संबंधित
निर्णय लेने से वक्त लग सकता है। जीवन में दोस्तों भय को लेकर के आप लोगों को कुछ चिंता हो सकती है, इसलिए दोस्तों डरे नहीं, निडर होकर कार्य करें। समय के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। दोस्तों इसके साथ ही साथ आप अपने जीवन में कार्य करते रहिए। किसी भी काम को लेकर के आपको परेशानी हो, उससे पहले आप लोगों को शिव शंकर की शरण में जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस समय आप लोगों को कृष्ण पक्ष की तिथि में काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। इस समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो योग बन रहे हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी खास रहने वाले हैं। ग्रह के चौथे नक्षत्र में अगर बात करें तो दोस्तों उसमें भी आप लोग के शुभ योग हैं। अभिजीत मुहूर्त पर यदि कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आप लोगों को एक विशेष रूप से सफलता देखने को मिलेगी। राहु काल का दोस्तों इस समय काफ़ी अच्छा चल रहा है, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। यदि दोस्तों आप लोग अपने कार्य में आगे बढ़ रही हैं तो दोस्तों कार्य करते रहें, निरंतर करते रहें, रुकने की आवश्यकता नहीं है, ताकि आप लोगों को उपयोगी वस्तुएं मिल सकें। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आप लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तब आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ गलत चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, तभी दोस्तों आप लोगों को ऐसे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। समय कुछ खास है, अलौकिक ज्ञान आप लोगों को मिलने वाला है। दोस्तों इसके साथ ही साथ आपके बिगड़े संबंध सुधरेंगे। फालतू चीज़ों पर आपको खर्च करने में आज आप लोग कुछ अति कर सकते हैं, इससे दोस्तों आपका कुछ नुकसान हो सकता है। आपकी कुछ जेब खाली हो सकती है। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के बारे में दोस्तों कर रहे विचार अच्छे परिणाम दे सकते हैं। माता से आप लोगों को लाभ मिलेगा और आप अपने गृह जीवन में काफ़ी हद तक संतुष्ट रहेंगे। इसके साथ ही साथ माइंड फ्रेश करने के लिए दोस्तों किसी दोस्त के घर आप लोग जा सकते हैं। रोज़मर्रा के कामों में दोस्तों आप लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक घटना से आपको सावधान रहना होगा, यानी कि दोस्तों यदि आप बाइक राइडिंग करते हैं तो उसमें आप लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है दोस्तों, तभी आप लोगों को एक नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ चीज़ों से आपको बचकर रहना होगा, तभी आप लोगों को एक अच्छा परिणाम मिलेगा। एक नई सोच की ओर आपको जाने की आवश्यकता है, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में मिल रही कुछ नाकामियां अब दोस्तों कामयाबी में बदलने वाली है। नया जो ये बदलाव है ये आपके लिए काफ़ी खास रहने वाला है। दोस्तों आप लोगों को काम में आगे बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्य हों या फिर किसी भी तरह के कोई भी कार्य हों, लेकिन आपको अपने आप को प्रूफ कर दिखाने की आवश्यकता है। अपने आप को डाउन ना होने दें। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि डोमिनेटिंग ना बने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा संयम से कार्य करने की आवश्यकता है, अपनी मर्जी से कार्य करें। दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा किसी को ज्ञान ना दें, वरना आप लोगों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों बता दें कि आपका समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेहनत करें। आप कहीं ना कहीं काम में कुछ आलसपन दिखा देते हैं, ये आप लोगों के लिए अच्छे और सफल इंसान के संकेत नहीं हैं। दोस्तों शुरुआती टाइम पे थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन याद करें कि हर कार्य तभी तक मुश्किल होता है जब तक आप उसे शुरू नहीं करते हैं। एक बार यदि आपने उस कार्य को शुरू कर दिया तो आप लोगों को लाभ मिलेगा। दोस्तों आप अपने कार्य को संपूर्ण करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मेहनत करें, भाग दौड़ करें, आपको अपने कार्य पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग काफ़ी तेज हैं, टैलेंटेड हैं, चतुर हैं, घूमने फिरने का भी काफ़ी हद तक शौक है। फ्रेंड्स आप लोग के कम हैं, दोस्त यार भी आपके कम हैं, लेकिन दोस्तों दोस्त वो बनाइए जो कि आप लोगों को कुछ दे सकें, यानी कि आपको कुछ ज्ञान दे सके। अपने जीवन को भरपूर तरीके से आनंदित लेने की आवश्यकता है। आनंद पूर्ण करें अपने रिश्ते को, यह आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। दोस्तों कुछ घूमने फिरने का यदि शौक है तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी खास रहने लगेगा। दोस्तों नाचने गाने का यदि शौक है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करें। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। ज्ञान बटोरने का आपको बहुत शौक है। जी हाँ दोस्तों, चलाक चतुर भी कह सकते हैं। बता दें कि मंगलमय करुणा दृष्टि आप लोगों के ऊपर अब पड़ रही है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने मंगल पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने गुरु स्वामी पर भी। आप लोगों को विशेष रूप से उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों सूर्यदेव को जल अवश्य से चढ़ाएं, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही विशेष रूप से जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंतिम तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।